पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कॉल पर मुल्क भर में हड़ताल। मुल्क भर में 14,000 डीलर्स एहतजाज पर। बेशतर पेट्रोल पंप बंद। हुकूमत एडवांस टैक्स वापस से। पेट्रोलियम डीलर से मुतालबा। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गई। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान कहते हैं कि अभी एक रोज की हड़ताल पर हैं। अगर हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हड़ताल आगे भी जा सकती है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल। हुकूमत ने मामले पर सर जोड़ लिए। पेट्रोलियम डिवीजन और ओग्रा का मुश्तरका अलामिया भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसूआत दस्तियाब रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोलियम मसूआत की सप्लाई की हिदायत। ओग्रा का कहना है कि पेट्रोलियम मसूआत की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अजम इस्तेकाम पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म बैरूने मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। घरेलू सार्फीन के लिए बिजली 7 रुपये 12 पैसे तक महंगी। फी यूनिट कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक जा पहुंची। प्रोटेक्टेड सार्फीन के लिए बिजली 4 रुपये तक महंगी। 100 से 300 यूनिट वालों के लिए इजाफा 7 रुपये 12 पैसे। 400 यूनिट तक का इजाफा 7 रुपये 2 पैसे। 600 यूनिट तक इजाफी 6 रुपये 12 पैसे होगा। 700 यूनिट से जायद पर 6 रुपये 2 पैसे इजाफी भरना होंगे। लोड शेयरिंग ने आवाम का जीना अजाब कर दिया। शदीद गर्मी में दिन रात बिजली की बंदिश। आवाम दुहाई देते देते थक गए। बिजली का शॉर्टफॉल भी 7,000 मेगावाट को छूने लगा। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज मुजाहरे। एग्जिट पोल 27। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल राज खत्म। लेबर पार्टी की तारीखी कामयाबी। 392 नशस्तें समेटने में कामयाब। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 103 नशस्तें ले सकी। लिबरल डेमोक्रेटिक 64 नशस्त पर कामयाब। ऋषि सोनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सर केयर स्टार्मर अगले वज़ीर आज़म होंगे। 9 जुलाई को 9 मुंतखब अरकीन हल्फ लेंगे और स्पीकर का इंतखाब होगा। 17 जुलाई को पार्लिमानी साल का आगाज होगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स खिताब करेंगे। और ईरान में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में मसूद बजेज कयान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल नहीं कर सका था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आवाम से ज्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। कहा सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग टर्नआउट तवक्को से कम रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।